आज हम बात करेंगे जीरोधा एप्लीकेशन के बारे में। जीरोधा एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं और कैसे सीएनसी में इन्वेस्ट करते हैं और कैसे कैसे वो एप्लीकेशन का जो बॉटम है वो कैसे काम करते हैं, उस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, पहले जीरोधा एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। तो प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाके यहाँ जीरोधा लिखना है। जीरोधा लिखना है, तो जीरोधा लिखने के बाद आप यहीं से आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है। अगर जीरोधा अकाउंट अगर आपके पास नहीं है, जो एप्लीकेशन नहीं है, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया है। मेरा लिंक से थ्रू खोलने से आपको फ्री डिमांड अकाउंट मिलेगा और कोई चार्जेस नहीं लगेगा। पहले हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं। एप्लीकेशन ओपन करने से आपको एक यूजर आईडी मिलेगा। यूजर आईडी कब मिलेगा? जो आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, यानी जीरोधा अकाउंट डीमैट अकाउंट जब आपका ओपन हो जाएगा तभी आपको यूजर आईडी मिलेगा, बाय मेल के थ्रू मिलेगा। और यूजर आईडी मिलने के बाद आपको इसके पासवर्ड बनाना है। अभी ये पासवर्ड मैं हाइड करके रखा हूँ क्योंकि ये यूट्यूब में जाएगा इसलिए। तो इसके बाद आपको एक पिन नंबर आएगा, आप पिन नंबर दे सकते हैं और फिंगरप्रिंट भी यूज कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये एप्लीकेशन खुल गया, ओपन हो गया। तो एप्लीकेशन इसी तरह आपको दिखाई देगा। तो नीचे दिखाया गया वॉच लिस्ट है, ऑर्डर है, पोर्टफोलियो है, ऐप्स है और ये है मेरा यूजर आईडी कोड है। आपको क्या क्या कैसे यूज करना है मैं इस वीडियो में आज शॉर्ट में बताऊंगा, जो आपको सीएनसी में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, यानी जैसे लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्ट करेगा तो कैसे करेगा। तो चलते हैं इस वीडियो में। तो आप पहले देखिए निफ्टी 50 स्टॉक ये मैंने लिखा है और सेलिंग स्टॉक ये सब लिखा है, इसलिए आपको जब यहाँ दिखाई देगा वॉचिंग लिस्ट, वॉच लिस्ट वन, वॉच लिस्ट टू, वॉच लिस्ट थ्री ऐसे ही दिखाई देगा। वॉच लिस्ट फोर फाइव जैसे लिखा है ना, आपको इसी सेम दिखाई देगा। तो मैं निफ्टी 50 स्टॉक कैसे लिखे है ना, जहाँ लिखा है निफ्टी 50 उसको ज़ोर से दबाना है तो आपको यहाँ एडिट बटन दिखाई देगा। एडिट बटन से आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं, लिख सकते हैं जो नाम लिखा है निफ्टी 50। ये एक नाम मैं दे के रखा है कि वो जो स्टॉक है ये इसका अंडर में आता है। सेव ऐसे ही रहेगा सेव। अभी ध्यान देखना है ये वॉच लिस्ट में यहाँ एक सर्च बटन है, ये सर्च बटन है और उसमें नीचे लिखा है निफ्टी 50, निफ्टी बैंक इंडेक्स, रिलायंस, HDFC, ये सब स्टॉक का है। आपका जो ओपन होगा अकाउंट तभी आपको 7-8 स्टॉक दिखाई देगा। उसके बाद आपको और स्टॉक ऐड करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे और मुझे स्टॉक चाहिए, स्टॉक का स्क्रीनशॉट चाहिए, मैं भेज दूंगा आप लोग को। तो पहले हम बात करते हैं इस जो हमारा निफ्टी स्टॉक में कैसे हम इस स्टॉक में बाय सेल करते हैं, इस वीडियो में देखते हैं। तो अब पहले सर्च में हम जैसे लिखेंगे एक कंपनी NMDC, लिखे NMDC लिखिए, यहाँ लिखा है साइड में NSE BSE, ये दोनों सेम है। NSE हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो नीचे जो लिया है फ्यूचर ऑप्शन है वो ध्यान नहीं देना है, हम वीडियो में टॉपिक धीरे धीरे करेंगे। पहले हम स्टॉक को कैसे सिलेक्शन करेंगे और कैसे बाय करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। तो NSE में हम जो NMDC लिखे, NMDC एक जो आयरन माइंस है वो पत्थर का काम करता है, तो हम NMDC को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ प्लस मार्क का साइन है, ये प्लस को दबा देना है। तो प्लस में इस सिलेक्ट में आपको नीचे देखिए NMDC सिलेक्ट होगी, ये हो गया। इसी तरह आप जो भी स्टॉक यहाँ सर्च बटन में लिखेंगे, जैसे SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसी टिक मरा हुआ है, नहीं ऑलरेडी इसमें है, अगर नहीं है तो ऐसे आप टिक मार सकते हैं। तो इसी तरह आप स्टॉक को ऐड कर सकते हैं इसमें, वॉच लिस्ट वन, वॉच लिस्ट टू ऐसे करते एक वॉच लिस्ट में 50 स्टॉक ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए 42 F50 लिखा है, यानी 42 स्टॉक ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो ये सारे कंपनी है, तो हम कैसे कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करेंगे आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं, एक स्टॉक जैसे SBI बैंक है, तो SBI बैंक नीचे लिखा है NSE हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका जो दाहिने तरफ लिखा है 424 प्राइस, यानी इसका एक क्वांटिटी का दाम 424 प्राइस है,
अगर आपके पास 500 रुपया है तो आप एक क्वांटिटी खरीद सकते हैं कब ना, सीएनसी में। सीएनसी यानी कैश एंड कैरी, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड रखना है, जब प्रॉफिट होगा तब बेचना है। अभी ये 424 का आता है। तो इसी तरह और कंपनी का प्राइस है, ONGC है, ऑयल एंड गैस कंपनी है, 118 रुपया है। ऑयल और कंपनी है 108 रुपया है। इसी तरह आप साइड में जो जो प्राइस लिखा है उसी तरह कंपनी, जितना बड़ा प्राइस उतना बड़ा मूवमेंट रहता है। कंपनी इतना बड़ा प्राइस है कैसे लूँगा ऐसा नहीं, जितना जो 1000 का ऊपर कंपनी का प्राइस है तो उससे रफ्तार पे उसके उसी तरह रहेगा, एक एक दिन में 100-100 पॉइंट भागना। और जिसका छोटा पॉइंट है जैसे 50 पॉइंट 60 पॉइंट, एक एक दिन में 5-10 पॉइंट भागेगा सेम रफ्तार। तो ये हो गया कंपनी का प्राइस। तो हम पता लग गया कंपनी कैसे ऐड करेंगे, कंपनी के प्राइस पता लग गया तो हम कैसे बाय करेंगे। तो एक ITC शेयर है 202 का प्राइस है, तो हम कैसे बाय करते हैं, इसको क्लिक करना है। नीचे लिखिए यहाँ बाय और सेल बटन लिखा है, सिंपल तरह बाय में जाना है। बाय में देखिए यहाँ क्वांटिटी लिखा है, क्वांटिटी हमारे पास अगर 1000 रुपया होगा, हम 202 में कितना 8-9 क्वांटिटी ले सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 8 क्वांटिटी। 8 क्वांटिटी लिखने के बाद यहाँ देखिए अप्रोक्स मार्जिन यहाँ लिखा है ना, आप यहाँ रिफ्रेश बटन मारेंगे तो आपको पता लग जाएगा मेरा कितना खर्चा हो रहा है, 1619 रुपया खर्चा हो रहा है 8 क्वांटिटी। अगर आपका 2000 रुपया है तो आराम से 9-10 क्वांटिटी ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए CNC लिखा है, आपको अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखना है किसी भी स्टॉक को, जब मैं 202 में लिया है और 210 में बेचूंगा तब CNC में जाइए। CNC में है कैश एंड कैरी, मैंने होल्ड करके रखना है कोई भी स्टॉक को। MIC ये इंटरनल स्टॉक है, इसका वीडियो और दूसरा बताऊंगा, आप MIC यूज मत करिए, MIC का एक दूसरा पार्ट बनाएंगे, इसमें MIC का सिस्टम अलग है। तो आप CNC में ध्यान देना है, CNC देना है। प्राइस जो लिखा है 202 यानी इसका ITC शेयर का प्राइस है। ऊपर में देखिए NSE में 242, BSE में 202, NSE BSE दोनों सेम है, क्योंकि इसमें एक अंतर है, 5-10 पैसे का अंतर है, किंतु आप NSE में लेके BSE में भी बेच सकते हैं, आप BSE में लेके NSE में भी बेच सकते हैं, दोनों सेम है, आप किसी भी साइट में ले सकते हैं। तो नीचे लिखिए मार्केट प्राइस लिखा है, मार्केट लिखना है, मार्केट इसलिए लिखा है अगर मार्केट में जो प्राइस चल रहा है लाइव प्राइस, मार्केट कितना 9:15 से 3:30 बजे खुलता है, तो मार्केट में जो लाइव प्राइस है 202 रुपये का प्राइस है, ये लाइव प्राइस है। तो मार्केट क्लिक करके आप CNC तो दबाएंगे और मार्केट क्लिक करेंगे, उसको जो मार्केट प्राइस में चल रहा है 202 रुपया वही प्राइस लेगा आपका जो लाइव प्राइस चल रहा है। अगर लिमिट मारेंगे तो अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं, जैसे हम 202 में नहीं लेंगे, हमको लेना है 200 में, तो ये प्राइस 200 जब तक आएगा तब लेगा, जब तक नहीं आएगा तब तक पेंडिंग में पड़ा रहेगा। ये हुआ लिमिट का काम, मार्केट का काम जो प्राइस चल रहा है 202 वही प्राइस में ले जाएगा। ये हो गया CNC में मार्केट और लिमिट। ये SL का मतलब हुआ स्टॉप लॉस, इसका मतलब SL और SLM, स्टॉप लॉस मार्केट स्टॉप लॉस, ये दोनों का बॉटम एक ही काम है। जब हम ट्रिगर लगाएंगे, जैसे 202 प्राइस में चल रहा है ना, 202 प्राइस में चल रहा है, मैं ट्रिगर लगाता हूँ, ट्रिगर का मतलब स्टॉप लॉस, मैंने आपका अब मैं 202 में लिया हूँ, अगर 199 आएगा तो मेरा लॉस उतना ही हो, ज़्यादा मत हो, इसलिए इसको लगाते हैं स्टॉप लॉस। ये कब लगाएंगे, तब हम CNC में ज़्यादातर नहीं लगाते क्योंकि हमको लॉन्ग टर्म होल्ड रखना है, ये इंट्राडे में लगाते हैं। इंट्राडे जब वीडियो में बनाऊंगा तब ये बता दूंगा स्टॉप लॉस कैसे लगता है, स्टॉप लॉस मार्केट, तभी भी मैं आज छोटा वीडियो में बता देता हूँ। स्टॉप लॉस मार्केट में कितना है, 199 यहाँ लिखना है, 199 लिखना है, यानी इसका मतलब 202 में लिया, 199 हमारा एक दीवार बन गया, उस 199 से नीचे 198 आ गया यानी आपका कट गया नहीं, जो आपका लॉस होना था, जैसे मेरा 8-8 24 रुपया लॉस होना था, तो 24 रुपया ही लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ये हुआ स्टॉप लॉस। इसको नहीं लगाने सिर्फ चलेगा क्योंकि CNC जो आप यूज करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है, और लगाना है तो आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। ये दोनों बटन भी सेम दिया है, सेट स्टॉप लॉस सेट टारगेट,
ये दोनों आगे पीछे लगेगा, मतलब 5-5% आगे पीछे। जैसे आपको 202 में चल रहा है, 5% उसी प्राइस का नीचे लगेगा, 5% टारगेट उसी प्राइस का ऊपर लगेगा, 5-10 रुपये का डिफरेंस रहेगा। ये रेगुलर रहेगा क्योंकि हम मार्केट में जो बाय सेल करते हैं तो रेगुलर बॉटम ही यूज करते हैं। रेगुलर CO हुआ कवर ऑर्डर, एम हुआ आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ये दोनों इंटरडे वीडियो में आएगा। आपको रेगुलर जिससे बॉटम लगा है रेगुलर यूज करना है क्योंकि हम CNC लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। ये डे रहेगा क्योंकि डे ट्रेडिंग चल रहा है। IOC हुआ फुल फॉर्म इमीडिएटली कैंसल, इसका फुल फॉर्म है ये, किंतु यूज नहीं होता है ज़्यादातर, हम ज़्यादातर डे यूज करते हैं डे, क्योंकि मार्केट डे में चल रहा है, डे मार्केट डे ट्रेडिंग सेक्शन, तो डे यूज होता है। रेगुलर रहेगा, मार्केट रहेगा, CNC रहेगा, मार्केट लिमिट दोनों में एक रहेगा, CNC रहेगा, इतने बॉटम में आपको यूज करना है। डिस्क्वालीफाई क्वांटिटी ये यूज नहीं करना है, ये जीरो रहेगा। आपको उसके बाद स्वाइप टू बाय, जैसे बाय करेंगे अभी ये लिखा है, मार्केट अभी क्लोज है इस टाइम, इसलिए मैं वीडियो 7:15 में बना रहा हूँ, इसलिए शो नहीं कर रहा। तो आपको इतने ही काम करना है, ये हो गया बाय बटन। आप जब ऑर्डर हो जाएगा तब नीचे लिखा है ऑर्डर का ऑप्शन, ऑर्डर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कंप्लीट लिखाई देगा, कंप्लीट लिखेगा, कंप्लीट रिजेक्ट लिखने से रिजेक्ट लिखेगा, कभी कभी पैसा कम होगा तो ज़्यादा क्वांटिटी लिख देंगे तो वो रिजेक्ट लिखेगा, तो इसमें नीचे रिजेक्ट भी लिखता है। और पेंडिंग होगा तो आपका यहाँ नीचे ऊपर में पेंडिंग लिखाएगा। जब आप लिमिट ऑर्डर लेंगे, 202 में लिया, 200 में लगा के रखा है लिमिट, तो यहाँ पेंडिंग दिखाई देगा यहाँ पर, और कंप्लीट होगा तो कंप्लीट लिखेगा। और GTT बास्केट SIP जो ऑप्शन है, इसके बारे में और दूसरा वीडियो में बनाऊंगा। ये GTT हुआ लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस, बास्केट हुआ अपना चॉइस हुआ स्टॉक चॉइस करेंगे इसमें लिखेंगे, SIP हुआ हम चॉइस हुआ स्टॉक SIP बना के इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ये तीनों अलग अलग काम है मैं बता दूंगा। तो आपको पेंडिंग एग्जीक्यूटेड का यूज़ करना है जब आप मार्केट में बाय सेल करते हैं, अगर कंप्लीट हो गया एग्जीक्यूटेड में आ जाएगा, अगर कंप्लीट नहीं हुआ पेंडिंग हुआ तो पेंडिंग में आ जाएगा, इतना काम है इसमें। नीचे जो ऑप्शन है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में जैसे मेरा एक यस बैंक है पड़ा है, एक शेयर 20 क्वांटिटी पड़ा है, तो ये होल्डिंग ऊपर में लिखा है होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब हम CNC में इसको लेके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया, इसलिए होल्डिंग लिखा है। तो पोजीशन जब हम उसी दिन लेंगे तब यहाँ शो करेगा, अगर अगला दिन के लिए रख देंगे तो होल्डिंग में आ जाएगा। ये हुआ ये ऐप्स, हम ऐप्स के कोई यूज़ नहीं है अभी। और ये हमारा फॉन्ट, यहाँ लिखा है फॉन्ट, ये हमारा प्रोफाइल की सेटिंग है। फॉन्ट हम जब फॉन्ट डालेंगे 31 रुपीज, यहाँ 8 फॉन्ट डाल के हम नेट बैंकिंग व फ़ोनपे गूगल पे द्वारा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर से प्रोफाइल में, हम प्रोफाइल में कुछ यूज़ नहीं है, प्रोफाइल में हम खाली देख सकते हैं क्या 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 नहीं है, इसे देख सकते हैं। सेटिंग में आप ये जो स्क्रीन को डार्क कर सकते हैं और लाइट भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। चार्ट IQ में रखना है और क्लोजिंग प्राइस में रखना है, और कुछ नहीं करना है इसमें। फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी है इसमें, फिंगरप्रिंट अगर ऑन करेंगे तो फिंगरप्रिंट मांगेगा। ऑर्डर नोटिफिकेशन ऑन करना है, जो ऑर्डर लेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा, बाकी ऐसे करना। हम इस वीडियो में आज बाय करना सीखे, तो बाय कैसे किया करेंगे उस वीडियो, इस वीडियो में सीखें। तो बाय किस स्टॉक में कैसे करते हैं और कौन सा स्टॉक में कैसा प्राइस पता लगता है और CNC में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इस वीडियो में हम दूसरा वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंट्राडे के वीडियो में, इंट्राडे कैसे यूज़ करते हैं MIS जो हम लिखे थे, और बाकी ऑप्शन यूज़ करेंगे। ये सिंपल का तरह जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए ये CNC आपके लिए सही है, और CNC में हमेशा प्रॉफिट देते हैं। तो आप जब भी क्लिक करेंगे कोई स्टॉक को, यहाँ बाय सेल ऑप्शन है उसके वीडियो में, धीरे धीरे करके मैं 0 तक का पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, नमस्कार।